मेरी विंडो में एसी आएगा या नहीं आएगा, या फिर मेरे वॉल पे एसी आएगा नहीं आएगा, उसके लिए आपको सिर्फ एक साइज की जरूरत है। साइज से आप डिसाइड कर सकते हैं एसी आएगा नहीं आएगा। तो ये है वो साइज जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एसी की जो चौड़ाई है वो हमारी इंचीज में 26 होती है और एमएम के हिसाब से 660 एमएम होती है। उसके बाद चौड़ाई के बाद हमें चाहिए होती है एसी की हाइट, ऊंचाई। ये दोनों चीजें ही डिसाइड करेंगी कि एसी आपकी जो विंडो है उसमें आएगा या नहीं। तो 26 इंच चौड़ाई है और उसके बाद 17 इंच एसी की हाइट है, और ये दोनों जो मेजरमेंट है ये 1.5 टन और 2 टन एसी की सेम होती है। सिर्फ अगर फर्क पड़ता है तो वो डेप्थ पे पड़ता है, गहराई पे, जो एसी की आपकी दीवार से या विंडो से जो बाहर निकल जाएगा उस पर। और वो जो गहराई है लगभग 2.5 फुट के करीब होती है, और किसी एसी में थोड़ी कम होती है, लगभग 2.5 फुट तो सब में रहती है। तो जो हमारी हाइट है वो 17 इंच है और जो चौड़ाई है वो 26 इंच है। लेकिन एक बात है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट साइज है जो एसी का होता है। एक बार इस ग्राफ की तरफ और ध्यान देते हैं। देख रहे हैं कि मैंने जो हाइट थी वो 17.1 इंचीज कर दी है और 26.1 इंचीज कर दी है। मैंने एक एक सूत बढ़ा दिया है, मतलब करीबन 4 से 3, 3 से 4 mm मैंने बढ़ा दिया है। इसका रीजन ये है कि जब एसी हम विंडो में लगाते हैं ना, तो कई बार एसी बिल्कुल फिक्स आता है, थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसी को ठोक ठोक कर लगाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए एक सूत फालतू रखनी पड़ती है, हाइट और वेथ दोनों, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी। और अगर एमएम में नाप रहे हो तो करीबन 3 से 4 mm एक्स्ट्रा आपको एमएम में लेके चलनी है। और जो डेप्थ की बात है वो 26 इंच से 30 इंच होती है एसी की, जो मतलब पीछे की तरफ लेंथ है, डेप्थ है, वो 30 से 26 इंच के बीच में होती है, लगभग 2.5 फुट। और अगर हम बात करें इससे छोटे एसी होगी, तो अगर आपका 1 टन या पौन टन एसी है, उनकी जो लेंथ वेथ और हाइट है वो इससे कम है, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है। और एक जनरल का जो एसी है, ओ जनरल का एसी, उसकी जो ये डायमेंशन है वो अलग है। बाकी लगभग सभी एसीओ की जो ये डायमेंशन है सेम है, चाहे वो कैरियर हो, वोल्टास हो, पैनासोनिक हो, गोदरेज हो, वर्लपूल हो, सभी कंपनियों का ये स्टैंडर्ड साइज है 1.5 टन 2 टन का। सभी एसीओ आप आंख मीच के ले सकते हैं एसी, आपको यही साइज मिलेगा। पर अगर आप जनरल एसी ले रहे हैं तो जनरल एसी में आपको साइज का जो विंडो का है वो अलग लेकर चलना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा है। उसके लिए मैंने बेल आइकन में और एंड स्क्रीन में वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। देखिए, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग काम सीखो और अच्छा काम सीखो और जल्दी सीखो। ये नहीं कि आप कहीं 4, 5, 10 साल किसी के यहाँ काम करते रहो हेल्पर बनकर। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ काम सीखना है तो वो 4, 5 साल हमारे लिए 100, 200, 1000, 1500 रुपए में हेल्पर ही करता रहे, ठीक है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जल्दी काम सीखना चाहते हो, देखिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कुछ कमी है, कुछ पैसे के सोर्स की कमी है, जिसकी वजह से मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी। मैंने कहा था कि अगर आप हमें डोनेशन देंगे तो हम अच्छे और साफ और बहुत ही बढ़िया तरीके से, डीप तरीके से, मतलब बिना कोई पॉइंट छोड़े आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आप हमें डोनेशन दीजिए। मैं आपको बताऊं, मैंने 5, 7 वीडियो में इस बात का जिक्र करा, किसी ने एक रुपए का भी डोनेशन नहीं दिया। अब मैं नहीं जानता उनको, हमको विश्वास नहीं है, या वो फ्री में काम सीखना चाहते हैं, या वो ये सोच रहे थे कि अरे यार मैं ना दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत लोग देंगे। तो मैं बता दूं, ऐसा सोचकर किसी ने भी कोई डोनेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या है, आज भी मुझे वीडियो ग्राफ के थ्रू ही बनानी पड़ रही है। हमारे पास अच्छे कैमरे का कोई सोर्स नहीं है। खैर छोड़िए, जो भी है, अब मैं ये बताता हूँ, अगर आप डोनेशन देंगे तो आप ये समझ लीजिए आप हमारी हेल्प के साथ साथ अपनी हेल्प भी करेंगे।